आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। सुबह की ताजा खबर, ऑसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM ओनली ऑन ZUFM 98.2 पयामे जुस्तजू। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? This is morning vibes with me. आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक, करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथों का आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? शायद आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेज, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर, सो घुनो, बहुत हुआ घुन्नापन, बता दीजिए, सुनते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके रोजाना। अरे हम कुछ नहीं कहेंगे सच्ची में, हम आपको सिर्फ वेलकम कहेंगे, और हम क्या कहेंगे आपको, हमारी क्या मजाल हम आपको कुछ कहें। So, जल्दी से जाएंगे फेसबुक पर, सर्च करेंगे फेसबुक पर जाकर ZUFM 98.2 और साथ ही साथ सैयदा फरहाना अली। तो दोनों पेजेस आपको फेसबुक पर ही मिलेंगे, दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से आपने लाइक करना है और फॉलो भी करना है, सही है ना। मजीद आगे जाएंगे तो नजर आएगा आपको इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJFarhanaOfficial। सो वहां पर भी मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर आपने जल्दी से फॉलो कर लेना है, ठीक है ना। मजीद आगे जाएंगे नजर आएगा ट्विटर पर जाकर सर्च करेंगे @SayyedaFarhanaAli, यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली। जो शो मिस कर चुके हैं वहां पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप शहर से बाहर हैं, सुबह से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, आप बहुत इजीली हमारा शो सुन सकते हैं फेसबुक पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के थ्रू। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको हमारे रेडियो का लिंक मिल जाएगा, और क्या चाहिए आपको। अब देखिए, हमने कहीं से कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं ना आपके लिए। सो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, गो की दुनिया गोल है, बहुत इजीली सुन सकते हैं। बस एक शर्त है हमारे शो की, आपने ना आपे में रहना है, क्योंकि हमारे शो में जो है ना आपे में आना पड़ता है। आपे से बाहर जाएंगे तो फिर हमारे शो में काम नहीं है ना।
सो आप में आइए, हमारे शो में आइए, वेलकम करेंगे आपको। सो आज भी बहुत सारी बातें, हमेशा की तरह रोजाना बताती हूँ आपको, आज भी बहुत सारी बातें, आज भी बहुत सारी बातें। अरे आज तो पाकिस्तान का मैच है ना, चले मजा आएगा आज। और लेट्स सी हूज गोना विन, सो फिंगर क्रॉस्ड एक्चुअली, सही है। सो पाकिस्तान को ये जीतना चाहिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बात करेंगे अभी इस पे आगे, लेकिन पहले एक ट्रैक आपको सुनवा देते हैं। ट्रैक हमने लाइनअप कर लिया है आज पहले से ही सही है ना, हमने पहले से ही लाइनअप कर लिया आज ट्रैक। हमने कहा क्या, हम कहते हैं लोग अब गाना ढूंढना ना बड़ा मुश्किल काम है, रोज बताओ ये बात। हाँ है मुश्किल, ठीक है लेकिन फिर भी सो वापस आएंगे इस गाने के बाद, फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। जब तक आपने कहीं नहीं जाना, कहीं भी मतलब कहीं भी नहीं, हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कहीं पर भी चले गए और एक सेकंड के लिए भी मिस कर दिए ना हमारा शो, इतना कुछ मिस करेंगे, बाद में पछताएंगे। तो हम नहीं चाहते ना कि आप पछताएं। वापस आएंगे इसके बाद आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, पहली दफा नहीं, नहीं बार बार पहली दफा है, ये गाने का नाम ही बस पहली दफा। कहानियां पहली दफा, अरमानों में रवानियां पहली दफा, हो गया बेगाना मैं होश से पहली दफा, प्यार को पहचाना एहसास है ये नया, सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है, सुना है ये रस्म हुआ
साथ में पहली दफा ये सर अब जाना क्या रंग है ये चढ़ा सुना है ये रस्म वफा है जो दिल पे नशा जो वो जरूरत हो गए तकदीर के कुछ फैसले जो गनीमत हो गए बदला हुआ हर पल है रहती खुमारी हर जगह प्यार था अनजाना हुआ साथ में एकदम बेकार टॉपिक आज ला आप लोगों के लिए ना ताकि ना आप लोग आराम से बात कर लें सही है ना चलें एक तो काम का टॉपिक है सच बताना है आपने देखिए हम बड़ी प्लानिंग की बातें कर रहे थे ना कल के प्लानिंग करनी चाहिए कभी नहीं करनी चाहिए प्लान करते तो कैंसिल हो जाते हैं फलाना होता है ये होता है वो होता है बेसिकली अब नया साल शुरू होने ही वाला है कुछ ही वक्त बाकी है कोई 40 दिन अभी तो खैर 50 दिन बाकी हैं लेकिन फिर भी बस कम ही टाइम रह गया 50 दिन ऐसे गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा सो अगले साल आप ऐसे कौन से काम करना चाहते हैं जो इस साल अब नहीं कर सके देखो सबसे पहले ना हमने नए साल वाला टॉपिक रख लिया बाकी सब लोग रखेंगे ना पुराने हो जाएंगे तो इसलिए हमने ना सोचा अब चले आज हम ना नए साल के हवाले से बात करते हैं सो बताइए अगले साल आप ऐसे कौन से काम करना चाहेंगे जो इस साल आप नहीं कर सके अगले साल के लिए आपने कुछ प्लान करके रखा है क्या करेंगे कुछ लोग जिनकी शादी नहीं हुई है वो शादी करेंगे क्या करेंगे वो तो मेरे ख्याल से ये तो आम मसला है ना लोग अगले साल हम शादी करेंगे अगले साल शादी करेंगे सही है चलो ठीक है और इसके अलावा एक लाइन आपने कंप्लीट करनी है अक्सर लोगों की नींद उड़ जाती है ना मतलब किसी की परेशानी में नींद उड़ जाती है किसी की खुशी के मारे नींद उड़ जाती है बट लोगों की नींदें जरूर उड़ जाती हैं तो आपने बेसिकली लाइन कंप्लीट करनी है नींद उड़ जाती है जब क्या होता है ऐसे कि आप लोगों की नींद उड़ जाती है चलें शेयर करें जबरदस्ती बातें करेंगे फनी बातें करेंगे अच्छी अच्छी बातें करेंगे बोंगियां मार सकते हैं आप लिमिट में रह के बोंगियां मारिएगा वरना उसके बाद फिर आप लोगों को तो पता ही है
सो जरा देखते हैं भाई क्या चल रहा है, खबरें शबरें हम देख लेते हैं। और अच्छा जी, ओहो देखें कहते हैं भाई सेमीफाइनल से कबल जो है वो पाकिस्तानी टीम की बड़ी परेशानी दूर हो गई है। अब यानी कि शोएब मलिक और मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल के लिए दस्तयाब होंगे। आई गेस इंजर्ड हो गए थे या कुछ तबीयत की नासाजी थी। अच्छा ठीक है, तबीयत नासाज थी उनकी। भाई मौसम ही ऐसा है आजकल, तो हर कोई वायरल का शिकार है, तो वो भी इंसान ही है, क्रिकेटर हैं तो क्या हो गया। सो भाई आप कह रहे हैं कराची में सर्दी का मौसम ना सिर्फ डेढ़ माह तवील होगा। मेरा गला देख रहे हैं, गला खराब हो गया मेरा। ऐसा हो गया, कल ना मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली एक्चुअली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो इस वजह से मेरा गला खराब हो गया। और कोई बात नहीं है, सर्दी वर्दी का कोई लेना देना नहीं है, सर्दियां तो है ही नहीं भाई, सर्दी कहाँ है, कोई सर्दी नहीं है। तो कराची में सर्दी का मौसम सिर्फ और सिर्फ डेढ़ माह तवील होगा, मतलब यानी कि हम लोग अब जैकेट्स वगैरह ना खरीदें, मतलब वैसे भी क्या जरूरत है इतनी सारी जैकेट्स खरीदने का, है ना, डेढ़ माह के लिए बस। लोग कराची के लोग ना इंतजार करते हैं कोई अच्छी ड्रेसिंग करेंगे भाई, ये इस कलर का अपर खरीदेंगे, इस कलर की जैकेट खरीदेंगे, लड़कियां कहते हैं चलो हम अच्छी सी शॉल खरीद लेंगे। लेकिन मतलब अब क्या खरीदे बंदा, सिर्फ डेढ़ माह की सर्दी है, क्यों मजाक हो रहा है, मतलब वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। ये कोई मजाक हो रहा है, ये कराची के साथ भाई देखें बड़ी नाइंसाफी है। अच्छा जी साथ साथ ओके, और इसके अलावा महंगाई का तूफान, सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। वाकई में भाई बहुत महंगी सब्जियां हैं, कितने मतलब आलू 100 रुपए किलो है, मुझे पता भी नहीं है, देखे आई गेस 100 रुपए किलो आलू हैं अभी फिलहाल, बहुत वाकई में मतलब गरीब लोगों के लिए तो ये महंगा ही है। और 100 रुपए भाई बहुत ज्यादा है, कहाँ जो है वो 30-40 रुपए किलो आलू मिला करते थे अभी कुछ अर्से पहले की बात है। तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर पीपल, तो भाई बस अल्लाह ताला से दुआएं कर सकते हैं कि बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। कहते हैं कि एलएनजी की कीमतों में कमी आ जाएगी और साथ साथ महंगाई देखें किस करवट बैठती है, कहां पे जाके रुकेगी, क्योंकि अभी सूरत हाल ऐसी है जब मुल्क जो है वो कर्जदार होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जो माजी में नहीं हो सकी, अब टैक्सेस ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं लोगों को, मुल्क के हालात बदलने के लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा जब टैक्सेस बढ़ाएंगे तो महंगाई तो ऑफकोर्स वैसे ही बढ़ेगी, तो लोगों को सफ़र तो ज़रूर करना पड़ता है चीज़ों को तब्दील करने के लिए। इतने टाइम से जब एक चीज़ बिगड़ी हुई है तो टाइम तो लगेगा, बस आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सब्र भी करना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है ना, कुछ कर तो सकते नहीं है, क्या करेगा गरीब आदमी, है ना। सो जिस हाल में भी रहें खुश रहें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ठीक है। जब आप शुक्र अदा करते हैं ना तो आपकी तमाम नेमतों में बरकत होना शुरू हो जाती है, इतनी सी बात है बस। चलें जी बात करते हैं एक्वेरियस की, एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपनी तवज्जो को अपने मौजू पर मरकूज रखना मुश्किल होगा, इसलिए अपने पेश वराना मामलात में कोई तब्दीली लाने या किसी सीनियर की गलतियां दुरुस्त करने की कोशिश ना करें, इसके बावजूद आप अपने काम की जगह पर पैदा होने वाले किसी इख्तिलाफ को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे, जबकि अपने प्यार भरे मामलात के बारे में अपने अंदर लचक पैदा करने की कोशिश करें ताकि बाहमी हम आहंगी से काम लेकर और हालात को मद्देनजर रखते हुए किसी भी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर सकेंगे। शाम में अपने दोस्तों से मिलने मिलाने का प्रोग्राम तो बन सकेगा लेकिन उसके लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाएगा, जिस हद तक मुमकिन हो सके अपने मामलात में मोहतात रहें। बात करेंगे अब हम पाइसेस की, पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। और अच्छा जी बता दो भाई क्या हमने क्या उधार लिया तुमसे। अच्छा जी आज अपने मामूलात को अंजाम देने में आपको दूसरों से मशावरत करने के बजाय अपने वजदान पर ही भरोसा करना चाहिए। यूं तो मंजिल को हासिल करने की तमन्ना हर किसी के अंदर मौजूद होती है मगर उसे हासिल करने के लिए मेहनत और जज्बे से कोई भी काम नहीं लेता। बहुत से लोग अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाते हैं और कई लोग अपने आप पर ही यकीन नहीं करते जबकि कई एक को उनके अंदर अंदरूनी खौफ और अंदेशे मार देते हैं। आज आगाज में ही आप किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए बहुत पुरजोश होंगे जबकि किसी ऐसे पुराने काम का सिलसिला फिर से शुरू होने के इम्कान भी वाजे हैं जिन्हें बहुत अरसा कब्ल
आप अपनी दानिस्त में मुकम्मल कर चुके हैं, ठीक है। साथ साथ बात करते हैं एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपको ना सिर्फ अपने जज्बात पर काबू रखने की जरूरत होगी बल्कि मौजूदा मंसूबे या काम का जायजा बहुत ही गहराई से लेने की जरूरत भी पेश आ सकेगी। अगर आपको अपने प्यारों की जरूरियात पर तवज्जो देने का मौका मिल सके तो आपका वक्त बहुत बेहतर गुजरेगा। अपनी माली हालत के बारे में दूसरों के मशवरों को नजरअंदाज ना करें और ना ही किसी लालच में अपनी रकम जाया करने की कोशिश करें, बल्कि मोहतात रहें। दूसरों से बातचीत के दौरान आप पर छाई हुई कनूतियत और माहौल से बेजारी भरे जज्बात को बावर करा देंगे। आपके लिए ऐसे माहौल में काम करना बहुत मुश्किल और तकलीफ देह है। अपने किसी अहम काम को मुलतवी करना बेहतर साबित ना होगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? ठीक हो गया। आज अपने लिए बेहतर रास्ते का इंतखाब आपके अपने हाथ में होगा, जबकि मजमूई तौर पर आपको अपने मामूलात की अदायगी के दौरान मजीद जिम्मेदारियों को कबूल करने से गुरेज करना होगा, क्योंकि आज आपकी तवानाई मुकम्मल तौर पर बहाल ना होने की वजह से मुश्किल पेश आ सकती है। अपने प्यारों की बातों को ध्यान से सुने और भरपूर कोशिश करके उस पर अमल करने की कोशिश भी करें, यकीनी तौर पर आपको उसमें फायदा मिल सकेगा। अगर आप तमाम उलझनों से निजात चाहते हैं तो अपने मामूलात में ही आपको मसरूफ रखें। इस बात को याद रखें कि अगलो शऊर और जज्बात एहसास दुख और सुख की आपस में जितनी कुर्बत है उसी कदर उनके असरात से बचना भी मुश्किल होता है। बात करेंगे अब हम जेमिनाई की। जेमिनाई के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपको अपने आप सराहने बाला से इंतहाई नरम लहजे में बात करके अपने जारी मामलात और सरगर्मियों के बारे में वजाहत से बात करनी चाहिए। सूरत हाल को समझने वाला कोई तजुर्बेकार फर्द आपकी मदद करने के लिए तैयार होगा। उसकी मुशावरत के बाद ही आपको मौजूदा हालात और वाकयात से फायदा उठाने में कामयाबी मिलेगी। दरअसल यही आपकी जहानत का इम्तहान होगा। अपने अहम अहदाफ की तकमील में नाकामी की वजह से आपके अपने सीनियर अफराद से जो है वो डांट डपट हो सकती है। असल में ये आपका कसूर नहीं बल्कि उन तक असल बात पहुँच ही नहीं सकी। इसमें यकीनी तौर पर आपकी खामोशी के अलावा आपके हासिदीन की खुफिया रेशा दवाइयों का भी अहम हिस्सा है। बात करेंगे कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज मुकम्मल तौर पर आप अपने आप को नए मंसूबों की जानेब ना सिर्फ मुतवज्जे रखना होगा बल्कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त देकर कामयाबी की जानेब अपना सफर भी आप शुरू कर सकते हैं। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आपको अपना ज्यादातर वक्त अपने साथ काम करने वाले अहबाब के साथ गुजारना ही बेहतर होगा। आज अपने कारोबारी वादों की तकमील और फराइज की अंजामदही के लिए अपना शेड्यूल बनाते वक्त अपने अहल खाना को वक्त देना मुश्किल होगा। उसकी वजह से आपको अपने अहल खाना की जानेब से सख्त अल्फाज सुनने के अलावा अपने लाइफ पार्टनर की नाराजगी भी मोल लेना पड़ेगी, जबकि आपको अपने दोस्तों के साथ किसी हम मीटिंग पर जाने के बारे में इतला भी मिल सकती है। चलें जी आपके कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन कहां कहां से मौजूद है और किसने अपनी अटेंडेंस लगा दी है और कौन है जो ढीठ है जिसने अभी तक ना अपनी अटेंडेंस मांग नहीं करवाई है और कहां चला गया भाई। अच्छा जी जरा हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमें दिख जाए कमेंट्स को हम शामिल कर पाए। ओके चलें जी। हाँ जी रोजाना बताना पड़ेगा कि अगर जो कमेंट मैं नहीं पढ़ पाई हूँ पेस्ट कर दें वापस फेसबुक को। हम देखें बस फेसबुक को भी जो है ना हमने नहीं छोड़ना कर लो जो करना है फेसबुक। अच्छा जी देखते हैं कि कौन कौन है हमारे साथ। जैनुल आबदीन शाह कहते हैं कि नाइस शो फ्रॉम सलकर है सखर होगा मेरे ख्याल से। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ठीक हो गया। साथ ही साथ मोहम्मद फराज कहते हैं नए साल में ऐसा क्या करें जिंदगी का कुछ नहीं पता। सो बंदा प्लानिंग तो करता है ना, इतने डिसअपॉइंट हो तुम। हमजा एच जी अंसारी कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुमताज अली कहते हैं कि गुड मॉर्निंग फ्रॉम चाइना बॉर्डर, अरे वाह क्या बात है, गुड मॉर्निंग टू यू टू, थैंक यू सो मच। सबर राजपूत कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आप ही जान, कैसी हो, क्या हाल अहवाल हैं और हाजिरी कबूल कर लें। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाल अहवाल बहुत अच्छे हैं। आप बताइए आप कैसी हैं? ठीक हैं, अटेंडेंस आपकी मार्क कर दी हमने। अच्छा जी फराज कहते हैं कि मेरी आंख ना तब खुली थी जब मैंने ना आबिद भाई को ख्वाब में देखा कहते हैं फौरन पानी पिया मैंने जागे, डरे तो नहीं तुम सवार राजूत कहते हैं योर वॉइस इज सो स्वीट, थैंक यू सो मच। फराज कहते हैं कि आज का मैच ऑसम होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल जी, ऑसम एकदम जबरदस्त होने वाला है, मजा आएगा और जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो मोस्ट वॉन्टेड मैच है। आबिद अमीर कहते हैं मोस्ट वॉन्टेड इसलिए कि भाई ऑस्ट्रेलिया से मैच है ना पाकिस्तान का, तो ऑस्ट्रेलिया को अगर पाकिस्तान ने हरा दिया तो फाइनल में कौन मिलेगा, न्यूजीलैंड, ओ माय गॉड। अच्छा जी आपने मेरे में कितना इंटरेस्ट लेती हूँ ना इस बार पाकिस्तान जीत रहा है ना मुझे बहुत मजा आ रहा है।
आबिद अमीर कहते हैं कि महंगी सब्जी का तो मेरे पास है क्या तोड़, मेरे पास है, मैं हमेशा बचत बाजार लास्ट में जाता हूँ, बाजार बंद होने वाला हो इसमें सब्जी मसाले सस्ते मिल जाते हैं, टोटका है, बच्ची कुच्ची सब्जी मिलती होगी फिर उसके बाद, टोटका है, सब कुछ तो खत्म हो जाता होगा जब आखिर में जाते होंगे तो। अच्छा जी, नहीं मैं वैसे कह रही हूँ, मुझे क्या पता। अली हसन भट्ट कहते हैं बेस्ट विशेस फ्रॉम कराची, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सबर राजपूत कहती हैं तमाम छोटे बड़े अंकल्स को सबर राजपूत का सलाम, ओके ठीक हो गया। फराज कहते हैं लो कर लो बात, जरा सी कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से गला खराब हो गया, बहुत ही नाजुक हैं आप। हाँ, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीती हूँ ना, मैं बहुत ही कोई टाइम बाद, महीनों बाद मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक पी, मैं कोल्ड ड्रिंक पीती नहीं हूँ एक्चुअली। और साथ ही साथ जायद आकाश कहते हैं कि गुड मॉर्निंग आप जी, थैंक यू सो मच। साथ साथ मोहम्मद नासिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और एजाज कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हमें सुनते हैं वो लैया से, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग कहते हैं, थैंक यू सो मच। मोहम्मद नासिर कहते हैं फरहाना जी क्या हाल है, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और हंसती रहो हमेशा, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। मेरे हाल बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे, ठीक हैं, खैरियत से हैं। और आबिद अमीर कहते हैं टॉपिक नींद पर अर्ज है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, ना जाने कहाँ दिल खो गया। अभी अभी भाभी सुन रही होंगी ना, फिर बताएंगे आपको, आपका दिल अभी आपके पास वापस आ जाएगा फौरन। और साथ साथ अली हसन भट्ट कहते हैं 14 नवंबर को अच्छा ये आपकी बर्थडे है, ओके थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ हैदर अली कहते हैं कि हाय थैंक यू सो मच। सबा राजपूत कहती हैं आप ही अम्मी भी सुन रही हैं, अरे क्या हाल है सबा की अम्मी, कैसी हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं, चले आंटी खुश रहें, और बस दुआ में याद रखिएगा। मोहम्मद नासिर कहते हैं नींद क्या, नींद उड़ जाती है जब ख्वाब में किसी से मार पड़े फिर वापस सोने को दिल नहीं करता कितनी क्या ख्वाब में दोबारा कहीं ख्वाब में ना दोबारा ना मार पड़ जाए ये क्या बात है। अच्छा जी, जायद आकाश कहते हैं आगे कैसी हो आप ही, आप में बिल्कुल ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह, मसूद साहब आ गए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं मोहतरमा सईदा फरहान अली साहब आप कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं। कहते हैं कि हर रोज़ मॉर्निंग वाइब्स लेके आती हैं, यही है आरजे, हम सबको हम सब के मन को भाती है, इसे खबर ही नहीं ये हमारे टोले की दबंग बॉलीवुड के भाई भी कहलाती है अच्छा बॉलीवुड के भाई, भाई मैंने ऐसा क्या किया, मतलब मैं क्या अपने साथ गन लेके घूमती हूँ, नहीं मतलब क्या खुशहाल खान कहते हैं कि ये मिस, यस मिस, ओके चैलेंज जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अली हसन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शमशाद खरल वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, इतनी कंजूसी क्यों करते हो भाई, सलाम पूरा लिख दिया करो, क्या हो जाएगा। साथ साथ मोहम्मद नासिर कहते हैं कि फरहाना जी एक सवाल, आप अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे ही हंसती हैं और मजाक रहती हो या शो में ऐसे सिर्फ बोलती हो आप, यानी आप बहुत खुश मिजाज हो, मतलब असल में तो आप लोगों ने देख लिया ना मैं बहुत लिहाज करती हूँ यहाँ पे आप लोगों का, बट खैर ऑफ कोर्स नॉट विद एवरीवन, मैं ऐसी ही हूँ, मैं रियलिटी में भी ऐसे ही हूँ। हाँ लेकिन ये नहीं कि मैं हर किसी के साथ मिलकर हंसी मजाक करना शुरू कर दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं रियलिटी में ऐसी ही हूँ, जो हूँ मैं वो शो में भी वही हूँ। शमशाद खरल कहते हैं कि सुबह बखैर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ अली हसन भट्ट कहते हैं हाउ आर यू आर जैसे कि फरहान अली फ्रॉम कराची, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ जायद आकाश कहते हैं कैसी हो आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और शमशाद खरल कहते हैं ऑसम शो, थैंक यू सो मच। सबर राजपूत कहती हैं नींद उड़ जाती है जब मच्छर खून पीने लग जाए, तो मच्छर मारे स्प्रे किया करो ना। एम उमेर हुसैन कहते हैं कि हाय बहुत शुक्रिया। साथ साथ फराज कहते हैं कल का मैच भी बहुत अच्छा आया था, नहीं मैंने कल मैच नहीं देखा, और ऑफ कोर्स बस मैंने स्कोर देखा, क्या था स्कोर याद भी नहीं है। आमिर फराज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सुबह खैर न्यू कराची से, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जैनुल आब्दीन शाह कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम सखर, नाइस शो, थैंक यू सो मच। हमजा कहते हैं कि हाउ आर यू, आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए हमजा आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, मजे में। सबर राजपूत कहती हैं आपकी गला खराब, मेरा भी बहुत है, आवाज़ ही खौफनाक हो गई है भाई, मेरी तो खौफनाक नहीं हुई भाई, मेरी तो सही है। अच्छा जी, हमजा कह रहे हैं जी, उन्होंने लिखा है जी, क्या भाई मतलब इसका मतलब है क्या, हमजा एच जी तुमने क्यों लिखा है। आबिद अमीर कहते हैं टॉपिक पर न्यू साल में मैंने प्लान किया है कि आने वाले साल में मुझे ढेर सारी सब्जी खानी है, ढेर सारे गिफ्ट जमा करने हैं, बस आपसे यही उम्मीद है। अमर रमेश कुमार खत्री कहते हैं चनेसर कोट कराची से, अमर रमेश कुमार खत्री, अच्छा चले सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फराज कहते हैं कि काशिफ अली मलिक
कहाँ हो बेटा? अच्छा चलिए, आपके जो है ना दादाजी बुला रहे हैं काशिफ अली मलिक। अंसार अली माही सर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आदि, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू फ्रॉम लाड़काना, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद अमीर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, नींद उड़ा देने वाले टॉपिक रखने वाली आरजे। और कहते फरी आप ना टॉपिक ईजाद करें कुछ ऐसा जो अभी तक जो है ना किसी ने नहीं रखे हों। और क्यों टॉपिक ईजाद करूं भाई साहब? टॉपिक ईजाद करना क्या होता है? टॉपिक कैसे ईजाद किए जाते हैं? जो भी बात समझ आए बस रख लो, सीधी सी बात है। और मसूद साहब कहते हैं कि टॉपिक टू पर मैम आपको पता ही है कि रब ने उम्रे का मौका बार बार दिया पर हज अभी बाकी है, सो अगले साल मैं हज करना चाहूंगा। आप सब दुआ करें इंशाल्लाह। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो है वो हज करना नसीब फरमाए, और आमीन सुम आमीन। मीर इरफान हसन कहते हैं हाय आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। जायद आकाश कहते हैं कि अभी 2022 में मैं शादी करूंगा इंशाल्लाह। देखा आ गए लोग, मैंने बोला था ना हम शादी करेंगे, हमारी शादी नहीं हो रही। अच्छा सही है। हमजा कहते हैं आई एम फ्रॉम कराची, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एजाज कहते हैं कि जैसे भी हैं कोई पता नहीं क्या। सैयद अकील रिजवी कहते हैं सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कहते हैं। रोहड़ी से हमें सुनते हैं आपने, मेरे कहते हैं टॉपिक पर मेरी नींद तो ना क्या लाइक क्या मच्छर की वजह से उड़ जाती है, ऐसा काटते हैं। अच्छा ठीक है, कहते ऐसा काटते हैं कि तौबा, और मैं उनको मार भी नहीं पाता, मेरा ही खून होता है मच्छर में। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस भाई, मीम्स को इतना सीरियस मत लिया करे आबिद अमीर, क्या हो गया? अली हसन भट्ट बहुत शुक्रिया कहते हैं कि कराची में लाइट नहीं है, फ्रॉम कराची हैं। कराची में लाइट नहीं है, किसने बोला कराची में लाइट नहीं है? कराची में लाइट है भाई। शान आवाज कहते हैं गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। गंजा शेख कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं आप? फ्रॉम कराची। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया गंजा, आप हमारे शो में पहली बार आई हैं, लग रहा है मुझे कि पहली बार आई हैं। और हमजा एचसी कहते हैं कि जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त हो गया। फरासत अली कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। और सबा राजपूत कहती हैं तेरी फोटो रखी है, तेरी फोटो रखी मैं या राखी में क्या है, सॉन्ग सुना है आपने? नहीं सुना मैंने सॉन्ग, ये किसका सॉन्ग है? शाहनवाज कहते हैं मैं आपका शो सुन रहा हूँ पाकिस्तान से, चलें बहुत शुक्रिया, अच्छी बात बताई आपने कि आप पाकिस्तान से हमारा शो सुन रहे हैं। वफा साजन कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साथ ही साथ फराज कहते हैं कुछ वॉइस पर लेमन कलर कितना अच्छा लगता है, कुछ वॉइस पर, अच्छा मुझे क्या मालूम। और जमाल खान खोजू कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, आप ही, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं कि शादी के खानों क्या खाने तो हम इंजॉय करते हैं बहुत, बट मसूद साहब सर मुझे किसी आरजे की शादी की बिरयानी खानी है कसम से। हाँ बच्चू। एक दाना भी नहीं मिलेगा चावल का। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि सबा की शादी हो रही है, चलो शुक्र है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। जाहिद आकाश कहते हैं आप इंशाल्लाह कहते हो, हाँ हाँ इंशाल्लाह जाहिद आकाश, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारी शादी हो जाएगी, बस बस अब खुश हो जाओ। मसूद साहब कहते हैं टॉपिक पर नींद उड़ जाती है जब वो आधी रात को फ्री से बर्फी चुरा के खाती है। अच्छा बर्फी चुरा के खाती है। अली हसन भट्ट बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वकास गाजी कहते हैं कि हम भी हैं, हाँ जी हमने नाम ले लिया आपका वकास। अली हसन बहुत शुक्रिया। सबा कहती हैं कि सिंगर का तो मुझे भी नहीं मालूम, FM पर ही सुना है, चलो पहले तुम पता करो और फिर बताना। अंसार अली माहिसर कहते हैं व्हाट इज टॉपिक, टॉपिक हमारा ये भाई आपने बताना है कि अगले साल आप कौन सा काम जरूर करना चाहेंगे जो आप इस साल नहीं कर सके, साथ साथ आपने बताना है, एक लाइन को कंप्लीट करनी है बेसिकली, विच इज नींद उड़ जाती है जब, व्हाट, नींद उड़ जाती है जब। सबा राजपूत कहती है फराज तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। वकास गाजी कहते हैं आप लाइव शो कब करेंगी? लाइव शो हम नहीं करते, ये लाइव नहीं है क्या, मतलब अजीब, ये लाइव ही तो है, क्या हो गया भाई, मतलब लाइव लाइव सेशन, मतलब यू मीन लाइव सेशन करेंगे कभी, लाइव सेशन मूड होगा जब, फिलहाल नहीं। और आबिद अमीर कहते हैं फरी कल तो मिसेस फारूक ने जान बचा ली मेरी, वरना मैं तो काम से गया था, बट बच्चू आपने ना मेरे फनी मैसेज को ठीक से समझा नहीं। हाँ सब समझ में आता है मैं आबिद अमीर, हाँ सब समझ आता है मैं। बच्चे नहीं हम, हम ना श्री लाग नहीं खाते आप, सही है। हाँ तो
अच्छा जी, साथ साथ किंजा शेर कहते हैं जी, बिल्कुल फर्स्ट टाइम आई हूँ, एक वीक से शो सुन रही हूँ, बहुत जबरदस्त शो है आपका एंड आपकी वॉइस आफत है, आफत आफत है मेरी आवाज, ये तारीफ का कैसा अंदाज है यार, आपकी वॉइस आफत है आफत। चलो किंजा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ साबर राजपूत कहती हैं, दिल हो गया खो गया किसी का, हैं दिल हो गया खो गया किसी का, ये कौन सा गाना है भाई, दिल हो गया खो गया किसी का। क्या बोलता, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जजता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, ऐसा कोई गाना है? मुश्किल गाना तो नहीं है बट मुझे लिरिक्स याद नहीं है, इतना ही याद है। मोहम्मद शहजाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर आप ही, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शहजादे, कैसे हो, ठीक हो, खैरे से हो, मजे में हो। फराज कहते हैं नींद ना आए तेरे बिना, बाय फ्यूजन, चलो लगाते हैं वाला गाना, बड़े दिन हो गए। तेरे बिना दिल घबराए, तेरे बिना, चलें जी सुनेंगे ये वाला गाना, बैकग्राउंड पे सुने या चलें नहीं, बैकग्राउंड पे नहीं सुनेंगे ये वाला गाना, तो हम पूरा सुनेंगे भाई, बैकग्राउंड पे क्यों सुनेंगे। चलो फराज तुम भी क्या याद करोगे, कैसी बहन मिली तुम्हें देखो। वापस आजन कहते हैं कि बहन मैं रोज ड्राइव करते टाइम आपको शो सुनता हूँ, और आपकी वॉइस कॉन्फिडेंस सुपर्ब है, और अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता बोलता रखे, आमीन समामीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि नहीं मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे साथ तो इतने सारे स्कैम हुए ना। नहीं तुमने किए होंगे सारे स्कैम, इतना मैं बता दूं। आप इतने कहते लड़की प्ले करना, प्यार दिया गल्ला करो जी, आपके लिए है ये ट्रैक, आपने लिखा ट्रैच ट्रैच, सो प्यार दिया गल्ला करो, ये कौन सा गाना है भाई, कौन कौन से गाने बताते हैं आप लोग। मोहम्मद शहजाद कहते हैं आप ही हमारी झगड़ा लो भूपो, सबा को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। पर आज कहते हैं सुकून से सोता हूँ, सुकून से उठता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा सही है। सबा राजपूत कहती है नींद उड़ जाती है जब उनका मैसेज आता है, अच्छा ओके। शाजीब राजा कहते हैं गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। साथ साथ हमजा कहते हैं जिन जिन की शादी हो रही है ना मेरी तरफ से शादी मुबारक, चलो जबरदस्त हो गया। शाजीब राजा कहते हैं सलाम वालेकुम स्वीट आपी रानी, कैसी हो आपी रानी, ओके चलो जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शाजीब, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद अजमल कहते हैं कि वो हमें सुनते हैं मुजफ्फरगढ़ से, क्या बात है। और साथ साथ आजाद कश्मीर से हमें सुनते हैं शाजीब राजा। फराज कहते हैं अरे आजकल ना नींद नहीं आ रही है, फ्यूजन का ट्रैक प्ले कर देना नींद वाला, अरे हाँ ना बता तो दिया। मीर इरफान कहते हैं कि नाइस आपकी वॉइस, नाइस आपकी वॉइस, चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला का करम एहसान है। और साथ ही साथ नियाज जखरो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। महसूस आप कहते हैं दुल्हन बनकर वो क्या गुंडे नहीं, गुंडे नहीं कर क्या क्या नहीं कर पाएगी, खापा सर जितना चाहें आप बिरयानी खाएं, ये कहते हैं ये सब क्या सफर में अच्छा ये शॉपर में भर कर ना सरजानी टाउन ले जाएं। कह रहे हैं आप जितना चाहे बिरयानी खाएं, ये शॉपर में भर के सरजानी टाउन ले जाएं। अच्छा कहते हैं वो दुल्हन बन के ना गुंडागर्दी नहीं कर पाएंगी, मैं गुंडागर्दी करती हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये कौन है भाई, वो कौन से गुंडागर्दी की, मैंने मतलब क्या किया है, उन्होंने किसको मारा पीटा है बता दें। हद यार। अच्छा जी आप देखिए कहते हैं मुझे तो डर लग रहा है आज का मैच से, ऑस्ट्रेलिया खतरनाक टीम है। कोई बात नहीं, क्या हो गया खतरनाक है तो, अदील क्यों 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 अदील कोई क्वीन पूरा तो लिख दो, ई और एन दोबारा लिखो पूरा। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, डीबी लगाना भूल गए तुम बेटा।
मुन्नी मुन्नी कहती हैं कि कराची वालों, पाकिस्तान वालों और पाकिस्तान से बाहर वालों, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, क्या हाल है मुन्नी, आ गई तुम। वकास गाजी कहते हैं मैं कुछ प्लानिंग नहीं करता, प्लानिंग करो कुछ नहीं होता, करनी चाहिए प्लानिंग, कभी कभी नहीं होता तो क्या हो गया, ये थोड़ी कि हमेशा नहीं होता। शाहजेब राजा कहते हैं वाह क्या बात है, क्या बात है, बता दें। चलें जी गाना सुनते हैं, बहुत हो गई बातें। और अच्छा जी चैलेंज जी, गाना तो हमने निकाला भाई, है प्ले कर देते हैं, और नहीं तो क्या, वापस आएंगे इसके बाद करेंगे आपसे मजीद बातें, आप तो कहीं नहीं जाना, कहीं भी जाएंगे बताएंगे, बस कितनी बार बताएंगे, कितना बताएंगे आपको, मतलब अब तो याद हो जाना चाहिए ना कि कहीं नहीं जाना, सुनेंगे साथ साथ वापस आएंगे इसके बाद। तो कितना काफी में लाने लग गई हूँ ना आजकल। चैलेंज स्टे ट्यून्ड।
तेरे बिना घबराए तेरे बिना रे चैन आप लोगों के लिए रखे कॉल्स को शामिल करेंगे 10 बज चुके हैं क्योंकि
सो अगले साल कौन सा काम आप जरूर करेंगे? पहले तो आप हमें ये बताएंगे साथ साथ एक लाइन को कंप्लीट करना है कि नींद उड़ जाती है जब व्हाट? क्यों उड़ती है भाई नींद? चलो बता दो. सो आज आप तमाम लोग कॉल कर सकते हैं, नए नवेले हों, पुराने हों, आंटियां हों, अंकल हों, बहने हो, भाई हो, सब कॉल कर सकते हैं. सही है ना? सो चले पहले आपके ना स्टार्स की बात करते, कॉल्स को मैं फिर उसके बाद शामिल करूंगी वरना स्टार्स रह जाते हैं. बात करते हैं लियू की. लियू के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? ढकी छुपी तुम्हारी याद है. अच्छा जी, लियू के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने माली हालात को बेहतर बनाने के लिए अपने बड़ों की बातों पर अमल करना मजबूरी बन सकता है. इसके अलावा लाइफ पार्टनर से अपने कारोबारी मामलों पर गुफ्तगू करने से कबल अच्छी तरह से सोच विचार कर लें, वरना किसी भी किस्म की गलत फहमी पैदा होने से ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं. किसी तजुर्बेकार फर्द की वजह से आपको अपने मामलात बेहतर बनाने का मौका मिल सकेगा कि जिससे फायदा उठाने में देर ना करें. अपने जहनी उलझाव की वजह से बीते हुए बहुत से दिन आपके लिए बेहतर ना थे और आपकी कोशिशें भी आपकी तवक्को के मुताबिक जो है वो मुनाफा बख्श साबित ना हो सके. आज आपको खुसूसी तवज्जो देकर अपने तमाम जाती मामलात को निपटाना होगा. कॉलर को शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो, कौन है भाई? आवाज क्यों आ रही? हेलो, पता नहीं, आई गेस कुछ मसला है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे. तो है मेरा तेरा तेरा, यूं ना जा. क्यों दिल? अच्छा जी, बात करते हैं हम वर्गों की. वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? और ओके, मैं ना गाना सुनने लग गई. मैं गाना सुनने लग गई और मुझे याद नहीं आपकी बात करनी, कॉल में शामिल करनी है. सही है. सो आज अपने प्यारों के बारे में कोई मनफी खबर सुनने की वजह से आपको अपना गुस्सा काबू में रखना चाहिए. और मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन तो नहीं होगा ना. तो बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन कुछ नहीं. बस आपने ना अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखना है. जो आपको लग रहा होगा नामुमकिन है, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल होता ही नहीं है कुछ अल्लाह ताला के लिए. तो जिससे आप अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद से भाई में ताल्लुकात को खराब करने का अहम सबब बन सकेंगे और आप बिला वजह किसी की लड़ाई में उलझ सकते हैं. कभी ना किसी की लड़ाई में ना उलझें, खास तौर पर वहां जहां अगले बंदे की रिस्पेक्ट बड़ी जरूरी हो, तो किसी और के झगड़े में ना पड़े. बहुत ही फ्रेंडली एडवाइस है. अगर आपने अपनी बदमिजाजी पर काबू ना पाया तो अपने अहले खाना के अलावा अपने दोस्तों से भी बिगाड़ पैदा हो सकता है, जो तन्हाई का सबब बनकर आपको मायूसी में धकेल सकेगा, जिससे मजीद ज़हनी दबाव सामने आने से खुद को संभालना मुमकिन होगा. सो आप तमाम लोगों को मैंने एक फ्रेंडली एडवाइस दे दी है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं ना, मैंने देखा बड़ा रास्ते में ना लोग, या फिर होता है क्या कि सर अगर किसी की लड़ाई हो रही है, चार लोग और कूद गए बीच में ना, उसको बचाने के बजाय और उसको साथ दे के भाई चलो और लड़ाई को मजीद बढ़ाओ, तो ऐसा ना करें, ठीक है? और कोई फ़ायदा नहीं होता इन सब चीज़ों का, क्योंकि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आपकी जिम्मेदारी और ज़ाती मनसूबाबंदी के दरमियान फासला बढ़ सकता है और यही चीज़ आपके लिए मजीद नुकसान का बायस भी बन सकती है. चलें जी. और अच्छा जी, अब हम कॉल को शामिल कर लें. चलें कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे लाइन पर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? आप मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मासूम हाथों से दुआओं के सदके अल्लाह का फजल करम है. चलें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए. ये कौन सी कॉल है? मेरी थर्ड नंबर पे ना. पता नहीं अंकल, अभी मैंने किसी की भी कॉल रिसीव नहीं की है, पहली कॉल आपकी है. वैसे अच्छा, मुझे नहीं पता कितने देर से मिला रहे हैं आप. अच्छा, पहली कॉल है मेरी? जी जी, पहली है. मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है तीसरी कॉल है. नहीं, आप जब ना अंकल, पहले मेरी कॉल लगी थी ना. अच्छा, तो आवाज ही नहीं गई मेरी. अच्छा, 15 सेकंड के बाद ना कॉल कट हो गई. हाँ, वो मैंने ड्रॉप कर दी थी क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही थी अंकल, आपकी थी वो कॉल. अच्छा, हाँ, तो ये थर्ड कॉल हुई ना मेरी? फर्स्ट कॉल नहीं हुई ना? वैसे थर्ड होगी, लेकिन वैसे तो रिसीव नहीं हुई ना अंकल, किसी और की. चलें ठीक है. आप कैसे हो मेरी बिटिया? मैं एकदम जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से. अम्मी अबू भाई सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. आज एक और बात कह दूं? जी जी, नहीं कहीं, छोड़ दो, कह दें अंकल. आप नाराज हो जाएंगे.
अगर कोई बात नहीं अंकल, कह देंगे, मसला नहीं है। मैं आपकी फ्रेंड्स जो हैं, हाँ, अंबर, हाँ, मदिया, हाँ, और किरण, हाँ, सब ठीक। किरण, किरण तो मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। किरण पता नहीं कौन है, ये मेरी कोई फ्रेंड नहीं है किरण। मेरा जहाँ तक ख्याल पड़ता है, ये बीमारी की वजह से कुछ बातें मेरे जहन में नहीं रहती। अच्छा चलेगा, कोई नहीं। तो मुझे ये याद पड़ता है कि जब आपका एक्सीडेंट हो गया था, हाँ, तो वो आपकी सहेली आपको घर पे देखने के लिए आई थी। वो सदफ थी, वो सदफ थी, सदफ, वो सदफ थी। जी जी। मैंने कहा मुझे कुछ याद ये पड़ रहा है, खैर तो ये सदफ, किरण की जगह सदफ, इनको ना अगर हो सके तो अपने नाचिस अंकल का सलाम कह देना। जरूर जरूर पहुंचा दूंगी मैं सलाम। अच्छा और अंकल, आज कुछ ना हाथ कांप रहा है। क्यों भाई, क्या हो गया अंकल, खैरियत है? कहीं अगला बंदा नाराज न हो जाए मुझसे। वैसे भी कल के शो में ना इसने कहा, कल के नहीं परसों के शो में, कल के शो में, हाँ, इसने मैसेज किया था, कमेंट किया था, हाँ, कि अंकल नाराज हो गए। आप, हाँ, समझ गए कौन है वो? हाँ पता नहीं किसी ने कहा था, मुझे याद है बोंगी, बोंगी फराज ने कहा था शायद। बोंगी बॉस, शायद नहीं, यकीनन बोंगी बॉस। अच्छा सही है। तो आज फराज के लिए मैं कुछ कह दूं? जी जी कह दीजिए, ताकि खुश हो जाए अपना अपना बच्चा। अरे वो बोंगी बॉस फराज, आप मुझे भी अच्छा देते हो ना, आप मुझे भी अच्छा देते हो। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं बोले अंकल, कैरी ऑन प्लीज, कैरी ऑन, फिर मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं अंकल प्लीज कैरी ऑन, हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे फराज की जो है ना अच्छी अच्छी करने के लिए। अरे वो बोंगी बॉस फराज, तुमने ये कैसे कह डाला कि अंकल नाराज है? चलो बोंगी बॉस, पहले अपने कान साफ कर लो, हाँ, ताकि अंकल की बात सही तरह समझ सको। मिट्टी का तेल डालो अपने कानों में। नहीं ना, मिट्टी का तेल नहीं ना। फराज, अंकल का एक एक लफ्ज, हाँ, आज तुम्हारे लिए है मेरी जान। सो गौर से सुनिएगा, फिर इल्जाम न देना कि भोंगी मारने में हम रह गए और अंकल की बातें निकल गई। हाँ, सही है। सुन लो मेरे फयाज यार, हाँ, बिना कहे जो सब कुछ तुम कह जाते हो, बिना कसूर के जो सब कुछ तुम सह जाते हो, दूर रह के भी तुम अपना फर्ज निभाते हो। अरे फराज, वही रिश्ते सच्चे हैं अपने कहलाते हैं। सही है ना फराज? जी जी, अब तो सही आप हो ना मेरी जान। बोंगी बॉस फराज। यार यार बोल भी मारते रहना, नाराज नहीं होना फराज। ये सही है, बॉम्बी मारते रहना लेकिन नाराज नहीं होना। फराज अंकल की एक बात सुन लो, हाँ, तुम ना वो बोरियां भर भर के ना बोंगियां मारते रहो, लेकिन आबिद अमीर तुम्हें ना, हाँ, बिरयानी का एक लुकमा भी नहीं देगा। सही है। अब क्या दूसरा, हाँ, दूसरा ये अंकल की लाज राज दुलारी बिटिया फराना, जी जी, हो सकता है कि जुम्मा 12 तारीख को अंकल की काल मिलने न पाए, यानी कि आने वाले कल। अच्छा जी, कल रात दुलाई छोटी बहन को सालगिरह एडवांस में मुबारक हो, जुग जुग जियो तबीबा साहिबा, मिसेस फारूक। ठीक हो गया, चलो भाई के तो अच्छा तो एवर जो शनिचर 27 नवंबर को बहन सभा राजपूत की शादी है। अंकल की दुआ है, मुजम्मिल के दिल के तीनों कोने में अल्लाह सभा राजपूत की मोहब्बत भर दे, सभा नए घर में अपना कदम रखे, और अल्लाह उस घर के आंगन में प्यार और मोहब्बत के फूल खिला दे, और उन फूलों पे अपनी रहमत और नेमत के बारिश सदा रिमझिम रिमझिम करता रहे, और घर के तमाम अफराद एक दूसरे को समझ सके, वो नेक तौफीक अता करे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। टाइम है, एक छोटी सी बात कह दूं। जी जी जल्दी से कह दीजिए अंकल। अंकल किसी को क्या इल्जाम दे, अंकल किसी को क्या इल्जाम दे, जिंदगी में सताने वाले भी अपने हैं और अब दफनाने वाले भी अपने होंगे। सही सही बात है। ओके बेटा, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको आपकी हर नेक तमन्नाएं पूरी करे। आमीन।
और घर से जाके अम्मी को मेरा सलाम कहिएगा। जरूर जरूर। वालेकुम अस्सलाम। अमान अल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा अंकल, खुश रहिए और सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अली हसन बट कहते हैं फर्स्ट टॉपिक कमेंट नो कमेंट, सेकंड टॉपिक नो कमेंट। ये क्या बोंगी मारी है? अच्छा, वफा साजन जरवार कहते हैं कि राहत फतेह का की एक कवाली मुझे भी सुना दें। तो फोन में आपकी यूट्यूब नहीं है क्या? कहते हैं आंख से आंख मिलाओ तो कोई बात बने। भाई जाके यूट्यूब पे सुन लें। मुन्नी मुन्नी कहती है मेरी दोनों आपियों की जानिब से अस्सलाम वालेकुम, और पश्मीना आप ही की कह रही हैं कि एक लाइन रखें अपने शो में, आदत सी पड़ गई है मुझको। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। चलो रखेंगे, कल याद दिलाना। साथ साथ जायद आकाश कहते हैं अभी जिस जिसको डांस आता है वो सबा की शादी में मुझसे मुकाबला कर ले। सबा ने तुम्हें बुलाया है, पहले ये बता दो। जाहिद फराज कहते हैं कि हाँ ये सॉन्ग नाइस से चले। बहुत शुक्रिया। आप कहते हैं आपको पता है फरी जब क्या पाकिस्तानी पाकिस्तानी को लिखा उन्होंने कौशिस्तानी, मतलब भाई क्या हो गया, एटलीस्ट देख तो लिया करें। टाइप करते हुए कुछ भी लिख देते हैं। और चलें जी, हमने ये वाला ट्रैक सुनते हैं। और दिस इज ओके, नहीं दिस इज नॉट द राइट वन, आई गेस दिस इज द राइट वन। चलें जी, हम ये वाला गाना सुनते हैं, बैकग्राउंड पे भी सुनते रहेंगे इसको। और जब तक ये वाला गाना हमने बहुत सुन लिया, नहीं बहुत नहीं सुना, चलें कोई नहीं, खैर है। और अच्छा जी, कहते हैं कि हाँ, कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम खेल रही होती है ना तो दुनिया भर के मुस्लिम की हिमायत हासिल होती है। जैसे कि आज एक मैच है हमारे भारतीय अफगानी बंगाली, दुनिया मुस्लिम हमारे लिए क्या बहुत खासियत रखते हैं होंगी। मेरी पता नहीं क्या लिखा है, मेरा हुस्न जान है, मतलब इतनी सारी बातें करके ना अपनी तारीफ कर ली, मेरा हुस्न जान है। ये सही है, चलें कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा रिस्पेक्टेड फरहाना, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मजे में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एवन रिश्ते में चाय भी पी रहा हूँ। अरे वाह, अरे वाह। लाहौर का मौसम कैसा है वैसे? अभी ठंड ज्यादा है वहाँ पे? लाहौर का मौसम से सर बात जाती सर, रात के टाइम थोड़ा सा ठंड, तो सुबह के टाइम थोड़ा सा ठंड होता है। अच्छा, मतलब वहाँ पे लाहौर में भी नहीं है ना सर्दी ज्यादा? बिल्कुल, यहाँ पे तो सर्दी है सर। अच्छा, मैंने सिर्फ कपड़े पहना, स्वेटर वगैरह मैंने कुछ नहीं पहना हुआ है। हाँ तो भाई आपको जरूरत कहाँ, क्वेटा वालों को कहाँ लाहौर की सर्दी पता चलेगी। यहाँ पे जो नहीं जो फुल टाप सर्दी आती जो होता है लाहौर में, अच्छा बावजूद भी आप सिर्फ पतला जीकेट हम पहनते हैं बस। अच्छा अच्छा भाई, ख्याल रखें अपना, टार्जन बनेंगे तो फिर बाद में परेशानी ना हो चाहिए। और आप ट्रैफिक भी माशाल्लाह से बने, बहुत शुक्रिया। बाइक आएगा इंशाल्लाह, मैं गाड़ी लेंगे, गाड़ी लोगे, चले जबरदस्त हो गए इंशाल्लाह। विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आप गाड़ी लीजिएगा, सही है। और दूसरा जो है नींद उड़ जाता है जब आपकी शो आ जाता है। मेरा शो आता है जब नींद उड़ जाती है? जब आपका शो होता है तब मेरे को नींद उड़ जाता है। अरे वाह क्या बात है, जबरदस्त हो गया। तो फिर से लेकर जुमे तक, फिर से लेकर जुमे तक, सही है। फिर वो मंडे और जुमेरात फिर और ज्यादा नींद उड़ जाती है। चले दो दिन तो आपको सोने को मिल जाते ना आराम, दो दिन आराम से लंबी नींद लेते हैं आप लोग। आज जी का तो सिस्टर मिसाल के तौर पर फर्ज करो। हाँ क्या करूँ, आपके एक शो में हम मिसाल के फर्ज करो, आपके एक शो में हम 20 मरतबे भी कार मिला सकता हूँ, या फिर मैं चैलेंज दे सकता हूँ। नहीं नहीं सही है, हम यकीन है आपकी बात पे, कोई मसले वाली बात नहीं है। चले जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई अपना ख्याल रखिएगा। चले जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला खुश रखे, आपको सलामत रखे। हाफिज। और हैं, अच्छा सही, मैंने कहा ये कौन सा गाना चल गया। चले एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका फर्स्ट टाइम पे शो सुन रही? पहली बार शो सुन रही, जरा नाम बताइएगा। क्यों पहली बार नहीं सुन रही? और रोजाना सुनती हूँ, शुमैला बात कर रही। अच्छा तो फिर कह रही। हाँ।
और बताओ कैसी जुमाला, ठीक हो, खैरे से हो? आप कैसी हो? ये तुम्हारे पीछे से ऐसे लग रहा है कोई ईको लगा दिया है। वो रेडियो बंद करके आओ। रेडियो बंद कर लिया। बंद कर दिया? हाँ अब ठीक है। हाँ अब बताओ क्या कहोगी? नींद उड़ जा। हाँ नींद उड़ जाती है। नींद उड़ जाती है जब मच्छर काटते हैं। मच्छर काटते हैं जी। सही है, ठीक हो गया। और आपसे मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं आपके बारे में सिंधी सीख कर आई हूँ, थोड़ा आपसे सिंधी में बात करूंगी। सिंधी सीख कर आई हो? चलो बताओ। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी खुश आई? ये सिंधी है? आपको जवाब तो देना है। अच्छा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिंधी मुझे नहीं आती भाई। नहीं सिंधी में नहीं आती मुझे। सिंधी में जवाब देना। कौन सी सिंधी आ रही है मुझे? अभी बुलाइए सिंधी आ जाए, फिर सिंधी से जवाब लेते हैं। सही है? अच्छा तबियत सही कही? हाँ एकदम जबरदस्त। आप फर्स्ट टाइम तो बुझूंगा। अच्छा हाँ। तो फिर रोजाना कौन सुनता है शो? रोजाना। अच्छा रोज सुनती हो? चलो ठीक हो गया। चलो जबरदस्त हो गया। और इसके अलावा अम्मी सलाम करिए। चलें वालेकुम अस्सलाम आपकी अम्मी को, बहुत दुआएं और बहुत शुक्रिया कि आंटी सुनती है मेरा शो। अरे वाह क्या बात है। बस ये करना अपनी अम्मी को सुनवाना शो, देखो बस फिर देखो तुम लोग। सही है, अम्मियों को सुनवाओ बस शो, अम्मियों को बस मिस नहीं करवाना मेरा शो। सही है जी बिल्कुल। अम्मी आपको दुआएं देंगे, सलाम भी। जज़ाकअल्लाह बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और आंटी के लिए भी बहुत सारी दुआएं। बस ऐसे ही बस बुजुर्गों की दुआएं हमें मिलती रहेंगी तो बस हम कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे अच्छा काम इंशाल्लाह। चले आप भी तो दुआएं करें, अम्मी को नए साल में भाई भेजेंगे मदीने। हाँ इंशाल्लाह जरूर, मेरी दुआएं आंटी के साथ है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही है ओके आपकी। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, सलामत रहिए। अच्छा जी मोहम्मद मेहताब कुरैशी कहते हैं शो इज नाइस, फर्स्ट टाइम कमेंट किया है जी। चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ज़ायदा काश कहते हैं आप ही मेरी अम्मी जान के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको प्यारी सी बहू अता करें। जल्दी से एक वादा तो कर ले, घर देखो कहो तुम जी ले या मर ले। सजनी हबीब खान कहते हैं हाय बहुत शुक्रिया। अंसार अली माही सर कहते हैं टॉपिक पर ऐसा तो मैंने नहीं सोचा है अभी तक, पर ये जरूर सीखा है कि जब भी कोई बिजनेस करो तो खुद करो, पार्टनरशिप करनी नहीं करनी चाहिए किसी और से। ये तो डिपेंड करता है भाई, लोगों की इतनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स हैं, आप लोगों को नहीं पता कि बड़े बड़े, आप देख लेना वो कौन से नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अभी कल ही मैं कुछ पढ़ ही दिया। फेसबुक, आपको लगता है कि फेसबुक सिर्फ ये अकेले मार्क जुकरबर्ग ने बनाई है, इनकी कोई पार्टनरशिप नहीं है इनकी किसी के साथ, सोच है आपकी। मोहम्मद मेहताब कुरैशी कहते हैं पापा की परी फरहाना जी सच कहा ना मैंने, हम वो पापा की परियां नहीं है, बड़े हो गए अब हम पापा की परी। वो फेसबुक कहते हैं पापा की परी, नहीं हम नहीं भाई वो पापा पापा की परी। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, खुशी आ गई तुम, खुशी 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 जी। आप ही, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसी हैं? ठीक है, मजे में हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके शो में भी आप कॉल मिलाना बड़ी मुश्किल हो गई है, लगती नहीं है? मुश्किल हो गई है, सब यही बोलते हैं रोज मुझे कि आपके शो में कॉल मिलाना मुश्किल है, केटू के पहाड़ नहीं माउंट एवरेस्ट चढ़ना पड़ता है। अब बहुत ज्यादा हो गई ना। बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा चलो, और वैसे आज तो अंकल ने बड़ा रिस्पेक्ट दिया आज वो फराज भाई को, मुझे तो ऐसा डर लगा। रिस्पेक्ट दिया सही है, कसम से मेरा दिल इतना धड़कने लगा, इतनी बातें तो हर बात दिल धड़क जाता है, दिल धड़कने का सबब याद आया। फराज भाई का दिल बड़ा कर दे बस। क्या ना करो बेटा, बीमारी होती दिल बड़ा करना। हाँ और तुम बताओ ना।
एक प्लान वो कैंसिल करना चाहती हूँ। कौन सा? शादी वाला? जी हाँ, बस दुआ दुआ की जरूरत है। तुम्हें क्या मसला है? क्यों क्यों मतलब पता ही नहीं। अच्छा चलो सही है। हाँ, वैसे आपकी शो जब से मैंने शुरू किया है ना, हाँ। तो अब मैं पछताती हूँ कि मैंने ये मंगनी क्यों की, ये मैंने निकाल दी। क्यों भाई, तो क्या हो गया? मेरा शो सुनते थे, शादी की बातें सुन लेना। नहीं नहीं, मैं मतलब ये था कि मैं पहले से शुरू से मैं अगर स्टार्ट कर लेती ना तो फिर हाँ। शायद मैं ठीक हो जाती। ठीक हो जाती? हाँ। ये क्या बात है? रात ना मैं अपनी कजन के साथ मैंने झगड़ा की। अच्छा क्यों? उन्होंने कहा मैं आपको मोबाइल नहीं दूंगी। हाँ। मैं बोला देख लेना बच्चू। हाँ। फिर रात को आपका शो नहीं था यार, फेसबुक पे। फेसबुक पे है ना मेरा शो? कल वाला नहीं था? कल वाला शो नहीं था? है भाई है। अरे नहीं था। अभी तो मैंने सुबह देखा यार, है मेरा कल वाला शो। मैं देखो अभी तुम्हारे सामने फोन पे चेक करती हूं। ऑफिशियल पेज पे मैंने खुद भी देखी, नहीं था। मैं अभी देखती हूँ तुम्हारे, देखो तुमसे बात कर रही हूँ ना, अभी मैं अपने फोन पर चेक करती हूँ कि ZU के पेज पर है वो। मैंने अभी सुबह तो चेक किया है आते हुए, अभी मैंने सुबह ही देखा है। तुमने शायद रिफ्रेश नहीं किया होगा, चेक करो। क्योंकि मैंने भी चेक की और उसको भी मैंने बोल दी, लेकिन उसने कहा कि आप फरहाना से पूछ ले, नहीं है शो। है शो? मैंने बोला मेरा के शो से पहले है शो, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया और कोई बात नहीं है। मैंने भी तो खुद देख ली थी। चलो वो झूठ नहीं बोलता, ठीक है, लेकिन फेसबुक तो झूठ नहीं बोलता ना। आज देख लेंगे। सही है, देखना, चेक करना। वो असल में ऐसा होता है कि दूसरे आरजेस के शो होते हैं ना, तो वो इसलिए शायद आपको नहीं देख पाए होंगे। अच्छा, ये वजह होती है। और वो कल शाजिया ने कसम से मुझे बहुत बोर किया था कल। किसने? ये शाजिया ने। शाजिया ने बात करके थी, शाजिया ने अपने आप ने चमगादड़ बनाई है ये रात को जागती है। अब चमगादड़ बनाया हुआ? हाँ, रात को जागती है और नींद को सो जाती है। ये क्या काम है आपकी? हाँ भाई, ये क्या है भाई, ये क्या होता है? ये रात को जो है ना जागती हो, दिन में सोती हो, ये कोई बात है? हाँ ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है, समझाए ना अपनी लिसनर को। हाँ मैं समझाती हूँ, अभी उसको अभी पूरी काउंसलिंग करूंगी अभी उसकी, मिल जाए जरा मुझे। सही है। और तब उड़ जाती है जब मेरी आधी रात में ना आंखें खुल जाए और कमरे का लाइट जब ऑन होता है। अच्छा, तब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मैं किसी को उठाती नहीं हूँ कि लाइट बंद कर दे। तो खुद उठ के बंद कर दिया करो। हाँ, मुझे उठना पड़ता है। नहीं कभी कभी ना मुझे कोई बोल देता है कि उठ जाओ, ये अपना अपना काम करो। एक भूत रख लो तुम अपने पास, जब कभी कोई लाइट आके खोले ना उसको बोले जाके बंद कर दिया करो। नहीं, रात देर तक ना मेरे भाई लोग मेरे अम्मी के पास जब बैठ जाते हैं बात ही करते, मैं बार बार बोलती हूँ भाई आप अपने रूम में कब जाओगे? अच्छा, जाऊंगा, मुझे नींद आ रही है। अपने रूम में कब जाओ? सो जाओ ना, आपको क्या है? मैं बोल रही नहीं, आपसे नहीं जाते, मैं सो जाऊंगी। ये सही है। और इसके अलावा? और इसके अलावा मैंने भी रात को कोल्ड ड्रिंक पी थी। कोल्ड ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक? अच्छा। हाँ, मेरी भी गला ठीक नहीं है। तुम्हारा भी गला खराब हो गया? मौसम ऐसा है ना, बस अब मैं तो वैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीती हूँ, लेकिन वो काफी टाइम बाद मैंने पी ना, तो बस मेरे गले ने बोले ये क्या दे दिया मुझे, ये क्या दे दिया, तो बस ये वाला सीन हो गया। मेरी अच्छा चीज नहीं है वो। बिल्कुल ऐसे ही है, जूस ठीक होते घर वाली। हाँ बिल्कुल जी, बाहर का भी आपको जूस वगैरह जो बाहर आपको मिलते हैं फ्रेश जूसेस तो ठीक है, बट जो पैक्ड होते हैं वो नहीं लेने चाहिए। हाँ जी ठीक है। और बताइए, और जाते जाते और क्या कहेंगी जी? और क्या कहेंगी जाते जाते? हाँ, एक वो एक बात ही मैं भूल जाती हूँ यार। हाँ। वो सॉन्ग चलाए ना, कौन सा? साहिर अली बग्गा का। साहिर अली बग्गा का कौन सा सॉन्ग बताओ? हाँ, वो आप आपके प्ले लिस्ट में शायद मौजूद होगा वो। कौन सा बताओ तो सही? मुमकिन तो नहीं जो दिल ने चाहता वो मिल जाए। बस तुम भी यही बता दो गाने, ये मुमकिन तो नहीं, ये OST गाना। अरे नहीं नहीं, उसमें नहीं है, OST है ये। इतना स्लो ट्रैक है ये भाई लड़की। चलो मैं जाते जाते इसको प्ले करती हूँ, सही है? अभी लगा लेना, तुम तो रेडियो पे सुनती हो ना, फिर बैकग्राउंड पे लगा लूँ। चलो बैकग्राउंड पे लगाते हैं, चलो बैकग्राउंड पे, चलो थोड़ा सुना के बैकग्राउंड पे लगा लेना। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जरूर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आमीन सुमामी, अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसा सॉन्ग है ये कैसा सॉन्ग है?
मसूद साहब कहते हैं कोई बताएगा कि नाजाबाद किस नंबर की बस जाती है, क्योंकि मुझे भी मैडम नसरीन के वहां जाना है उनके जन्मदिन पे, उनको बधाई देने और उनकी बनाई हुई बिरयानी शरीफ खाने। ओके पता नहीं। सासा जायद आकाश कहते हैं आप ही सॉन्ग चला दो हवा ओ हवा। अच्छा जी, अंसार अली कहते हैं कि राइट कहा आपने, अदी किसी और के बीच में नहीं आना चाहिए। ओके हाँ, तो मैं सही कहती हूँ। इमरान करीम कहते हैं कि कहते हैं कि प्यार में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी मोहब्बत करे कमबख्त नींद बहुत आती है। तबस्सुम प्रिंस हैं, तबस्सुम प्रिंस, ये तबस्सुम या प्रिंस हो कि क्या नाम है, तबस्सुम प्रिंस कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हमदुल्ला मलखेल कहते हैं कि हैं। अच्छा जी, अली हसन बट बहुत शुक्रिया कहते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग शो फ्रॉम कराची। अच्छा वो बता दिया। मुन्नी मुन्नी कहती हैं कि मैं अगले साल फरहाना आपी की बर्थडे में जरूर आऊंगी। चलो ठीक है, जबरदस्त हो गया। एक कॉलर को शामिल करते हैं, बहुत देर से कॉल आ रही है, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुबीन अली खट्टा से। मुबीन अली कैसे हैं आप मेरे भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल जी। क्या कहेंगे, टॉपिक सुना आपने मेरे भाई, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। ओके चले जी, खैर कोई नहीं है, यही चल रहा है अभी तक। चले एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरहान अली साहब कैसे मिजाज हैं? खुश आमदीद आपको। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं, आपको भी खुश आमदीद। बहुत ज़रा जी, मैं ठीक हूँ जी। मैं ठीक हूँ, सही है जी। तमाम खूबसूरत बातों को मेरा सलाम पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम। अरे एनर्जी वाला प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। और पहली दफा कल या परसों सुनने को मिला कि स्टूडियो से बाहर आपकी अगर आवाज जाती है तो हाँ जी, तो जिंदगी में कभी इतनी एनर्जी नहीं लेती कि स्टूडियो से बाहर किसी की आवाज आ रही है। उसकी वजह भी मैंने बताई ना, क्योंकि वो वुडन डोर है यहाँ पे सिर्फ। जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे जो भी है, लेकिन स्टूडियो तो है ना। हाँ जी, सही बात है, आवाज बाहर जाती है तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा मोहतरम सामने से बाज दफा आप लोगों को अप्रिशिएट करने को जी करता है जी जी, तो अक्सर लोग कर रहे होते हैं तो बाज दफा आगे ये समझते हैं कि ये शायद हम में क्वालिटी नहीं है और हमारी तारीफ की जा रही है। नहीं तो नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती। हाँ नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जी जी, कि मैंने अगर शलवार कमीज पहनी हुई है तो मुझे कोई कहता है कि आपने बहुत खूबसूरत पैंट शर्ट पहनी है और मैं खुश हो रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं गलत खुश हो रहा हूँ ना। अगर मेरी शलवार कमीज की वो तारीफ करेंगे तो मैं समझूंगा अगर मैंने ये पहनी है तो तारीफ हो रही है। तो मॉर्निंग प्रोग्रामों में यकीन कीजिए, हम इतने बड़े लिसनर या कॉलर नहीं समझते अपने आप को, लेकिन इतना जरूर है कि हमारी जिन जिन बज़्मों में हाजिरी होती है जी, वो बज़्म इस काबिल होती है तो हम हाजिर होते हैं। ये कन्फर्म बात बता रहा हूँ आपको जी। तो आपकी बज़्म का इंतजार भी रहता है और फिर जब सुन रहे होते हैं तो कोशिश होती है भी हाजिरी भी दी जाए जी। तो आप बहुत मेहनत से बज़्म को सजाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप कालर से भी गुफ्तगू करते हैं, उससे मोहब्बत बांटते हैं, खलूस बांटते हैं, चाहत बांटते हैं और कभी कभार कुछ और भी बांट रहे होते हैं। वो डोज जरूरी है बहुत इन लोगों के लिए, वरना तो ये वैसा फ्री होते ना ये लोग। जी जी, मिर्च मसाला बहुत जरूरी होता है। कई लोगों को मिर्च मसाला बहुत ज्यादा लगता है ना, अच्छा लगता है, उनको नमक कम चाहिए तो मिर्ची ज्यादा चाहिए होती है। जी बिल्कुल, मगर मुश्किल बहुत। एक अहम आपका एक सवाल मैंने सुना जो है जी, मुआशरे में, इस मुआशरे में रहते हैं, या अगर मैं अपने सराइकी बेल्ट की बात करता हूँ जी, और मैं अपनी भतीजी को, अपनी भांजी को, हम घर की बातें आपसे शेयर करते हैं, हम इस बज़्म को अपना घर समझते हैं, पहली बात है जी, कि हम शेयर करते हैं तो घर ही समझते हैं, तो बातें आपसे शेयर कर रहे होते हैं बिल्कुल। तो मैं बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए जाता हूँ जी, और रास्ते में मैं कोई कूड़े करकट के ढेर पे किसी और बच्ची को वहां कूड़े करकट से कागज इकट्ठे करते हुए देखता हूँ, जबकि वो हमारी बच्ची की हम उम्र बच्ची है और मैं उसको छोड़कर स्कूल चला जाता हूँ और मेरी आंखें बंद रहती हैं,
मुझे वो कूड़े करकट पे बच्ची बैठी हुई नजर नहीं आती। मैं आंखें तो रखता हूँ, मैं जहन भी रखता हूँ, लेकिन मेरा जहन भी बंद है, मेरी आंखें भी बंद है। जब मैं उस बच्ची को उस कूड़े करकट के ढेर से एक साइड पे करके कम अज कम मैं उसके पास 5 मिनट वापसी पे ही सही, मैं 5 मिनट उसके पास बैठता हूँ, उससे हाल वाल पूछता हूँ, उससे कागज चुनने की वजह पूछता हूँ। अगर अल्लाह ताला ने मुझमें इतनी इस्तेआत रखी है कि मैं उसकी कोई इतनी जरूरत है कि जो खुदा की करम नवाजी से हम पूरी कर सकते हैं और उसको कागज से चुनने से हटाकर हम स्कूल में दाखिल करवा सकते हैं, तो हो सकता है मोहतरमा सैयदा फरहान अली साहबा वो बच्ची पढ़ के प्राइमरी क्रॉस करके, मिडिल क्लास करके, हाई क्रॉस करके, कॉलेज क्रॉस करके यूनिवर्सिटी तक पहुंचे और वही बच्ची पढ़ लिख के एक अच्छे खानदान में चली जाती है जी। और वही बच्ची अच्छे खानदान में जाके एक पढ़े लिखे मुआशरे की परवरिश करती है, एक फर्द की नहीं बल्कि एक मुआशरे की परवरिश करती है, उसको तालीम देती है। सही। तो हो सकता है उन्हीं बच्चों में से आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का कोई बच्चा मुस्तकबिल बने। बिल्कुल। तो मेरी जाती कोशिश यही रहती है कि अगर इन मुआशरे की बच्चियों को मोहतरमा सैयदा फरहाना अली साहबा हम इज्जत नहीं देते तो हमारी सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद हम आंखें भी अपने आप को समझते हैं, हमने खुली रखी हुई हैं, हमने कान भी खुले रखे हुए हैं, हमारा दिमाग भी माशाल्लाह बहुत खुला है, हम पूरे पाकिस्तान को एक ही जगह में बैठ कर 1 घंटे में मुख्तलिफ चीजों को डिस्कस कर देते हैं, हम हर चीज में एक दूसरे को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम उन चीजों को मुआशरे की बच्चियों को इज्जत कैसे दी जाए, अपनी 1 घंटे की गुफ्तगू में इस चीज को जेरे बहस नहीं लाते तो रमजान की वो 1 घंटे की गुफ्तगू बिल्कुल फजूल है। सही। मेरी आंखें खुलती ही तब है कि जब मैं उस बच्ची के सर पे हाथ रखता हूँ, कम अज कम हो सकता है उसकी वालदा ना हो सकता है उसका वालिद ना हो। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बच्चियों के या बच्चों के बारे में फरमाया है ना कि सर पे हाथ रखेंगे तो उनके बालों के बराबर हाथ रखने वालों को सवाब मिला जाएगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस हमने यही करना है, आपने अपने की कोशिश यकीन आप करती हूँ, हमारा साहब आपने की कोशिश करती है, हम अपने की कोशिश करते हैं कि काश हम उन बच्चियों को, खुसूसन बच्चियों को वो प्यार मुहैया कर सकें इस प्यार से वो महरूम होकर इन कूड़े करकट के घेरे में। सही सही, बहुत दुरुस्त बात की, बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा पैगाम भी लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया रमजान मलिक साहब इतनी अच्छी गुफ्तगू करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सो बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात और यू नो इम्पोर्टेंट बात है ये। कुछ चीज़ें वाकई मुआशरे में इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं लेकिन हम नज़रसानी करना ही नहीं चाहते ना, ये वाली सारी बात है। हम अपनी आँखें कबूतर की तरह देखकर बंद कर लेते हैं। कबूतर भी तो तब आंखें बंद करते हैं जब मुश्किल आती है, हम तो लोगों को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं जहां किसी को जरूरत है। तो कोशिश करते रहना चाहिए हमेशा, मैं कहती हूँ कि कोशिशें कामयाब होती हैं। कोशिश आप कीजिए ना, बरकत अल्लाह ताला डालेगा। तो लड़की क्या तुमने ये बता दिया, इतना डिप्रेसिव सॉन्ग, ये मुमकिन तो नहीं कि कोई मिल जाए फलाने ढमकाने, क्या है ये? तो कहीं से सब्र मिल जाए, हुए जो बदगुमान हम तो क्या करें। अच्छा जी चलें जी, पता नहीं कैसा गाना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? रोशन अली सेवन शरीफ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैसे मेरे भाई रोशन? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्लाह पाकिस्तान, अल्लाह करम, अल्लाह के करम। आप कैसी हो बाजी? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ जी। क्या कहेंगे? रमजान मलिक साहब ने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात, मुझे खुशी लगी, इसलिए मैं बार बार ट्राई कर रहा था की कॉल लग जाए। चलें, जबरदस्त हो गया जी। बाजी कराची में गाँव में देहात में ऐसे भी लोग बेचारे जो एक ने वाला खाते हैं तो दूसरे ने वाले के लिए देख रहे हैं, कब मिलेगा? ठीक हो गया।
सही ऐसे ही है, गाँव में कराची में क्या करे बंदा, अब ऐसे करते हैं अगर ऐसे थोड़ी नजर सानी थोड़ा बहुत अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखा जाए तो कोई भी गरीब नहीं होगा। कराची में मैं एक बात आपको बताऊं, मैं पहले भी मैंने जिक्र किया था, कराची में कोई इंसान भूखा नहीं सो सकता, क्योंकि कराची में इतनी सारी जगह हैं, इतने सारे वेलफेयर सब जगह जगह पर जो है वो खाना खिलाने का इंतजाम किया गया है, तो कोई इंसान कराची में भूखा नहीं सो सकता। ऐसा की मदारे, सैलानी वगैरह बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह है, और हमारे सेवन शरीफ में लाल चाबाद कलंदर पे अपना वो पठान कॉलोनी है। ठीक हो गया, चले टॉपिक पर क्या कहेंगे ये बताएं। बाकी मैंने नहीं सुना खबरी, टॉपिक टॉपिक पर बताएं क्या कहेंगे। बाकी मैं टॉपिक नहीं सुना है, आप शो नहीं सुन रहे अभी, आपने ट्यून किया है। मैंने बिल्कुल अभी किया है, रमजान मलिक साहब की बात चलेगी। अच्छा, अगले साल कौन सा काम जरूर करना है आपने ये बता दें। अगले साल अगले साल कौन से काम आप नहीं कर पाए, इस साल तो अगले साल करेंगे। चले ठीक हो गया, और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे। जजाकर बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे, हाफिज। सो अली हसन भट बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ नया कमेंट करें, नहीं क्या सेम कमेंट आप रोजाना, कुछ तो नया लाओ लड़के। किसी के दूर जाने से ये दिल वीरान नहीं होता, वजह कुछ और भी। इतना सैड ट्रैक था यार, क्या खुशी नाम तुम्हारा खुशी है और गाने सुन रही हो सैड। तो चलें कॉलर को शामिल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं। क्या कहेंगे टॉपिक पर? टॉपिक पर जी, मतलब मैंने तो अभी स्टार्ट किया रेडियो, अभी चालू किया ना। अच्छा, क्या चल रहा है? चलें बहुत शुक्रिया, आप सुने रेडियो पर क्या चल रहा है, सही है, उसके बाद आप कॉल कीजिएगा। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि सबा नए घर में भी अपनी तरफ से ठंडी सबा बिखेरे, ये हमारी भी दुआ यार है, और बधाई शुभकामनाएं पेश हैं। चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं, फराज कहते हैं कि इमरान भाई अगर कॉल पर आए ना उनकी कॉल बस एक मिनट की लेना, और शहजाद की भी। अच्छा लास्ट टाइम बड़ी हो गई थी ना फराज की, अच्छी कॉल कर दी इमरान साहब ने, बड़ा मजा आया था मुझे। तुम ना अपने कानों में मिट्टी का तेल डालो फराज। चलें जी देखते हैं कौन है हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जाकिर अली जी। जाकिर अली कैसे आप मेरे भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अल्लाह का करम है। तुम सुनाओ बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, मैसेज मेरा मैंने भेजे हैं, मैसेज नहीं पड़े हैं मेरे। कहाँ भेजे मैसेज? व्हाट्सएप नहीं है मेरे पास, खाजा मोबाइल है। हाँ अच्छा, तो हम सिर्फ फेसबुक के मैसेज को शामिल करते हैं, फोन के मैसेज को शामिल नहीं करती मैं। अच्छा, आज अंकल ने फराज भाई को बहुत डांटा है। ठीक हो गया। हाँ। कोई नहीं, अंकल ने डांटा नहीं, अंकल ने अच्छी बातें कही हैं। और ये अच्छा। जी टॉपिक पर क्या कहेंगे? अगले साल आप कौन सा ऐसा काम करना चाहेंगे जो इस साल नहीं हो सका? अगले साल इंशाल्लाह मेरे को शादी करनी है। आपको शादी करनी है? चलें ठीक है मेरे भाई, अल्लाह ताला आपकी शादी करवा दे अगले साल, सही है, आपकी आजादी सारी खत्म हो जाए। ओ माय गॉड। चलें कुछ और प्ले कर देते हैं, यहाँ ये गाना तो बंद हो गया, और नहीं ये वाला गाना हमने बहुत सुन लिया, अब हम कुछ और प्ले करते हैं। चलिए हम शुगर ब्राउनी पे आ जाते हैं वापस। इसको प्ले कर लेते हैं और ओके चलें जी एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मेहताब बात कर रहा हूँ कराची से, पराना जी। कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेहताब, मेरे भाई आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल अल्लाह का पाक का करम है। बस मौसम की थोड़ी सी नासाजगी चल रही है तो निकले जुकाम में। चलें जी अल्लाह ताला आपको सेहत याबी अता फरमाए, आमीन। हाँ जी जी, क्या लाइन? एक तो मैं लाइन कम्प्लीट कर दूँ पहले। जी जी, मेरी नींद जब होती है जब मैं रात को डरावना सा ख्वाब देखता हूँ। डरावना ख्वाब देखते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। अच्छा
अच्छा ठीक है। और 2021 में मेरी शादी हुई है, तो मेरे बड़े ख्वाब थे कि मैं अपनी वाइफ के साथ नारायण तागान जाऊं। अच्छा। लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं जा सका। कोई खैर कोई बात नहीं, अगले साल का प्लान किया 2022 में मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी के साथ पाकिस्तान टूर पे जाऊँ। चले इंशाल्लाह जरूर। और हाँ जी। आपका शो बड़ा नाइस है, आपकी पूरी बहुत शुक्रिया। और आप रेडियो एफएम की पूरी टीम को, जितने भी लिसनर्स सुन रहे हैं, उनको मेरी तरफ से सलाम है। वालेकुम सलाम। रेडियो एफएम 98.2 की तरफ से मैं कुछ गुनगुनाना चाहता हूँ। जी जी प्लीज गुनगुनाइए। जी प्लीज। तो गुनगुनाना मैं ये चाहता हूँ कि साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। जी बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त। और बेस्ट विशेस आपके लिए, ऐसी हंसी मुस्कुराती रहे और एडिटो करती रहे। और कल मैंने जो है कॉल की थी सदफ को, हुमैरा सदफ कॉल की थी उनको, मैंने यही कहा था मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके स्टूडियो में आपको खुद ही बता आप बहुत अच्छे सिंगर है। नहीं नहीं नहीं, मेरी ख्वाहिश, मैंने कहा मेरी आवाज अच्छी है, यानी मैं चाहता हूँ कि शो करूँ, मेरी ये ख्वाहिश है। अच्छा होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं इस बात में नहीं, मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं जी जरूर आपके साथ करना चाहूंगा। और बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान जिंदाबाद, चैलेंज पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, आपने ख्याल रखिएगा। भाई यार मैं ऐसी हूँ, क्या करूँ, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। ओके आबिद अमीर कहते हैं, अरे लड़की हुस्ने ज़न का मतलब अच्छा मजबूत ख्याल में, यार तारीफ कर रहा का तीज में। अच्छा चले ठीक है ना, ठीक है ना, तो रोने वाली क्या बात है आबिद अमीर, क्या हो गया। मजाक कर रही थी मैं। अच्छा जी मोहसिन कहते हैं कि वाह वाह अंकल जी जबरदस्त फराज, बदनाम होके नाम वाला हो गया। नाम भी तो देखो ना इसका, फराज है। अंसार अली माई सर कहते हैं, यदि लोग फर्क क्यों करते हैं, हालांकि हम दूसरों से ज्यादा हम उनकी इज्जत करते हैं, लोग फर्क करते हैं मतलब समझ नहीं आया मुझे। सब राजपूत कहते हैं, कौन कह रहा है कि शादी में दावत दी है मैंने। दी ना, दे ही ना दू मैं दावत, देखा कभी भी नहीं देगी ये लड़की। चलें जी हम जो है वो एक मजीद लास्ट कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे प्यारे भाई, आप नाम बताइएगा कैसे हैं आप? खादिम हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से, बड़ी मुश्किल से कॉल लगी। और खैरियत है मेरी प्यारी बहन, खुश हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल जी, क्या कहेंगे टॉपिक पर, टॉपिक सुना आपने। हाँ मेरी बहन, पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस साल तो आरजे ना बन सके, लेकिन कोशिश करेंगे किसी भी स्टूडियो में आरजे बनने की। और जो दूसरी बात आपने कही कि और नींद मतलब कि उड़ जाती है, ऐसी बात है जी जी, नींद उड़ जाती है जब जब नींद उड़ जाती है, जब रात को मोबाइल की जो बेल है ना, जो रिंग टोन है, जब वो बजे तो दिल ऐसे करता है कि मोबाइल को तोड़ा जाए, तो साइलेंट पे लगा के सोया करें ना। वो हमें क्या पता कि कॉल आ जाएगी। तो मोबाइल को भी क्या पता कि आप सो रहे हैं। मेरी प्यारी बहन एक और बात मैं करना चाहूंगा, कल शाम को प्रोग्राम हुआ आरजे एमजीवाई, उसमें एक लड़की कॉल की, वो आपकी प्यारी लिसनर है, उसका नाम तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसने ये कहा था कि दरअसल वो टॉपिक रखा था एमजीवाई ने कि कौन सी तीन चीजें आप दिन में ना करें तो आपको जो है ना सुकून नहीं मिलता। तो उस लड़की ने ये कहा कि जब तक मैं शीशा ना देखूं, मैं मेकअप ना करूं या मिसवाक ना करूं। मेरी प्यारी बहन जब मतलब कि लड़कियों को लड़कों का कोई भी बात मिलता है ना, उसे छोड़ते नहीं है, तो लड़की अपने आप को कसूर नहीं देती, हम जो भी बात भी लड़कों के ऊपर टिका देती है। अच्छा इसमें ये बतानी थी बात, ये बात बतानी थी।
चले, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रही हूँ, सही है, बुरा मत मानेगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे, आमीन आमीन, जजाक अल्लाह हाफिज। चौधरी अल्ताफ हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कॉल नहीं जाप लड़ूंगे, बस बहुत हो गया भाई, हाँ सीधी सी बात है, खत्म, बस अब कॉल है, कॉल है खत्म। अली असगर बलोच कहते हैं नाइस शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और साथ साथ अली हसन कहते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम विंस फ्रॉम कराची। शाहनवाज कहते हैं मोहब्बत मिले तो नींद भी अपनी नहीं रही, फराज गुमनाम जिंदगी थी तो कितना सुकून था, हैं अच्छा ठीक है। साथ साथ मासूम बच्च बलोच हैं, कहते हैं चले तो कट भी जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता सॉन्ग सुनोगे, सुन लो भाई जाके अगर सुनोगे तो। साथ साथ जायद आकाश कहते हैं कि खुशी फुप्पो आप कैसी, आप किसी ना किसी के साथ लड़ती क्यों रहती हैं। मुन्नी मुन्नी कहती हैं कि बुरा नहीं मानना खुशी बहन, जिस तरह आपको उर्दू बोलनी आती है ना, इस तरह मुझे पश्तो बोलनी आती है, हाँ सही बात है, सही है, हाँ इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, सही बोला है, हाँ खुशी सही बोल रही है मुन्नी, ये जिस तरह तुम्हें उर्दू बोलनी आती है उससे पश्तो आती है। जायद आकाश कहते हैं आप ही जी, आपका गला अब ठीक हो गया क्या, क्या मैंने कोई मेडिसिन ली है अभी जो ठीक हो जाएगा, नहीं मैं कहवा पीकर रही थी सुबह ताकि गला थोड़ा मेरा ठीक हो जाए, क्योंकि जब मैं सुबह उठी तो मुझे लगा कि मेरा गला बंद है, बट आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। मसूद साहब कहते हैं कि मैम आपको तो पता है कि हमारी कंपनी पूरे यम्बू सिटी को ग्रीन बनाने का काम है, तो साहिल समंदर पे यानी कि रेड सी पर इतनी सारी मेहंदी उग गई है और अच्छा मेहंदी उग गई है, और उसे जब डिज़ाइनिंग के लिए तराशते हैं काफ़ी सारी मेहंदी ज़ाया होती है और ट्रॉली की ट्रॉली और फेंकनी पड़ती है। ये बात जब सबा की शादी आई तो बताने का मौका हुआ, मन हुआ, अच्छा ओके। आबिद अमीर कहते हैं कि भाई फराज की रिक्वेस्ट प्ले करके आपने जो दाना डाला है, बच्चू फराज भी आपका भाई है, होशियार हैं और मुन्ने कहती है और मुन्ने लगता है फराज बड़े आदमी बनेंगे, मुन्नी के घरे इतनी मशहूरी तो मिल गई है अभी से मैंने कोई दाना वाना नहीं डाला, देखो सही ना, फराज भी मेरा भाई है, आप भी मेरे भाई हैं और क्या, सीधी सी बात है। और साथ साथ फराज कहते हैं अरे हाँ आपकी बर्थडे कब है, मेरी बर्थडे है 7 जनवरी को, अभी तो टाइम है बड़ा। आमिर फराज कहते हैं ये सॉन्ग चलाएं बाजी, कौन सा सॉन्ग चलाएं, खुशबू नहीं, खुशहाल खान कहते हैं मेरा मैसेज कहाँ गया, आपको नाश्ता करके नहीं आई, नाश्ता करके नहीं आई क्या आप, कॉमेंट स्क्रॉल हो जाते हैं मेरे भाई, नहीं आए तो मुझे लग रहा है, अच्छा कल भी तुम यही कह रहे थे ना, तुम भोंगिया मारने आते हो यहाँ पे, अच्छा तुम्हारा भी नाम लिखना पड़ेगा इनकी लिस्ट में शुएब में हो गए थे आपकी बर्थडे का, अभी तो बताया 7 जनवरी को, सासा शुएब में हो गए थे, कल आप लाइव किस टाइम आएंगी इंस्टा पर, मैंने बोला कि कल लाइव आऊंगी, मैंने बोला ये, मैंने कहा था कि देखेंगे, ये कहा थोड़ी कि पक्का, कल मेरा मूड बना तो, वरना तो नहीं, अगर मूड कभी नहीं बना तो कभी भी नहीं, बस इतनी सी बात, लाइव आने की बात कह रही हूँ। और साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छी बात की रमजान अंकल ने, बस लोगों की समझ में आ जाए, हाँ जी मोहसिन अमान बहुत शुक्रिया, नाइस शो कहते हैं। आबिद अमीर कहते हैं कि इतनी सलमान से इतनी खामोशी से सुनते हैं जैसे सलमान भाई कुछ लिख रहे हों, भट्टी साहब दोनों से गुजारिश है कि कुछ सुनाए हैं, क्या सुनाए। अली खान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुन्नी मुन्नी कहती हैं आबिद भाई दें शेरवानी, मैं कढ़ाई कर दूंगी, आपका घर बन गया, आपने दावत ही नहीं दी पड़ोसियों को, चलो भाई ये सही है। शोएब में वो कहते हैं कि अगले साल ना मैंने शादी करनी है, तुम लोगों की शादी है मस्त लड़के में। फराज कहते हैं कि मिट्टी का तेल क्यों डालूं, साफ साफ बोल दो कि पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूं खुद को मैं तो मैंने कानों में तेल डालने का बोला, अब वो तुम्हारी मर्जी है, मिट्टी का तेल डालो, तुम पेट्रोल डालो, डीजल डालो, भाई तुम्हारे पास जितने पैसे हैं तुम उसका जो खरीदना चाहो वो खरीदो, सही। अलिया सन बट बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नदीम सईद कहते हैं फरहाना जी टुडे शो वेरी ऑसम, चलें बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फराज कहते हैं खुशी सैड इस वजह से है कि उसकी शादी जल्दी हो रही है, वैसे अगर वो चाहती है शादी लेट है मेरी तो इनके घर वालों को इनकी सुननी चाहिए, हाँ ठीक है लेकिन मुझे नहीं पता भाई,
मुन्नी मुन्नी कहती हैं अमित भाई भाभी के हाथ से बनी बिरयानी खिला दें, एनर्जी आ जाएगी। अच्छा जी, मसूद साहब कहते हैं कि मैम मैम ने कुछ नया टाइप करने को कहा था अली हसन, बट अल्लाह हाफिज कहकर निकल लिया। बेबस मोहम्मद सिद्दीक कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम द शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, वालेकुम अस्सलाम। और फराज कहते हैं कि हुमैरा सदफ के दो नाम क्यों हैं, एक नाम हजम नहीं हुआ था क्या? भाई तुम्हें क्या मसला है क्या? तुम बिल देते हो हुमैरा के नाम की, नहीं बता दो तुम्हें क्या मसला है अगर हुमैरा के दो नाम है तो। और साथ साथ नथीराम सौदा कहते हैं, मोहतरमा कहते हैं सेल्फ योर कंट्रोल है, सेल्फ योर कंट्रोल या कंट्रोल योर सेल्फ कहते हैं, ये कहते हैं कंट्रोल योर सेल्फ, क्या हो गया नथीराम सौदा। आसिफ खास खेली कहते हैं सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, सही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, मुकेश कुमार कहते हैं कि हाय हेलो, थैंक यू सो मच। मामा शरद कहते हैं आप ही हमारे लिए भी दुआ करना, अल्लाह मेरी अम्मी को दो से तीन बहुएं दे, बड़ी सोच रखो। हाँ ना आप ही बेटा, पहले तुम लोग एक के जो है ना, एक का अच्छे तरीके से ख्याल रख लो, दूसरी की तो बारी कभी आ ही नहीं पाएगी। रमजान मलिक साहब कहते हैं कि मोहतरमा सईदा फरहानी साहिबा, आप बात करने का वक्त अता फरमाती हैं, आपकी बजम शादो आबाद रहे, आमीन सुब आमीन, बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं कि हाँ साइन आउट कर रही हूँ। अच्छा, आबिद अमीर कहते हैं कैसा पॉइंट को पकड़ती हैं और बोल भी देती हैं कि जाने दिया। हाँ तो क्या हो गया, अच्छा जी बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, हुमैरा आ चुकी है, हुमैरा काफ़ी पहले आ चुकी है। बस मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहती हूँ, बस इतना से चाहती हूँ, बस ये मेरी गुजारिश है। चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान, अपना और अपने प्यार को रखिएगा बहुत 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 ही ज़्यादा, और अपने चाहने वालों की भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मगफिरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद, जो बाकी रह गई ना बातें कल करेंगे। फरहाना इज़ फाइनली साइनिंग ऑफ, फी अमानिल्लाह।